Well, the next thing is lens form. Now, what is lens formula? We all know that it's 1 by 3 minus 1 by equal to 1 by f. We have done it in class 10, right? But we need to know that your IR translate. So, jaisa hum mirror formula nikaal dete hain, waise lens formula nikaal sakte hain. We take a convex lens. Obviously, you can also do it for a concave lens, doesn't matter. And you know, yahan par f or 2f hota hai. Jaise wahan par, in case of mirrors, hum log f or radius of curvature, center of curvature liye the. यहाँ पर f और 2f दिया जाता है. और इमेज कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग तीन रे यूज करते हैं. एक है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस. एक है पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और थर्ड है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जो कोई डेविएशन बिना ही निकल जाता है. मतलब इफ आई टेक एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर एंड आई टेक अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शुड पास थ्रू फोकस. ठीक है. And if I take a ray passing through the optical center, this point is called the optical center. Then this ray moves undeviated. And deviate ho gaya na? This ray moves undeviated, and it meets the occlusion. अब सही है, या अभी भी deviated है? और हम ठीक नहीं कर पाए. This rays meet at a point. This is the image here. So OO dash is the object and II dash is the image here. और मान लो जो first point है जहां से वो bend कर रहा है, ये point A है और ये optical center है C है. ठीक है, C center नहीं है, optical center. Optical center से क्या होता है, जो ray हिलता है वो straight निकल जाता है और कोई bend नहीं करता है. अब मुझे एक चीज बताओ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है ए से ओ डैश तक, ए से ओ या सी से ओ तक. ठीक है, और इमेज डिस्टेंस कौन सा है, सी से आई. तो यहां पर भी सेम साइन कन्वेंशन फॉलो होगा कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सारा डिस्टेंस मेजर किया, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस मेजर किया जाएगा. लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव और राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव. इज दैट क्लियर. सो this direction is negative and this direction is positive. Alright? तो इसके हिसाब से CO जो है वो object distance है, CI जो है वो image distance है. अब देखो object distance negative है, image distance positive. और हम लोगों को मालूम है focal length जो lens का होता है वो sign convention के हिसाब से positive या negative नहीं होता है. convex के लिए always positive, concave के लिए always negative. तो इसीलिए यहाँ पर focal length जो है हम लोग obviously उसको क्या ले सकते हैं, CF ले सकते हैं या इधर CF dash कोई भी ले सकते हैं, that will be the focal length. So say CF is equal to focal length. Anyhow, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, yes, हाँ formula निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल चूज कर रहे हैं, ओ ओ डैश सी एंड आई आई डैश सी. कैन यू सी द टू ट्रायंगल्स, ओ ओ डैश सी एंड आई आई डैश सी. जल्दी से बताओ इसमें क्या क्या तुमको वो मिल रहा है, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स. यस एंड वाई, बिकॉज दिस आर वर्टिकल अपोज ट्रायंगल्स एंड दिस इज 90, दिस इज 90. सो दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स. So triangle this is, I'm not proving the similarity, similar to triangles. If they are similar, you can write O dash by II dash is equal to CO by equation 1 mark. Okay? अब ये जो AC है ना, इसको dotted line से हम join कर देते हैं. Now we are taking another triangle, triangle ACF and triangle ACF I dash IF. So look at this, ACF और I dash IF दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज 90 एंड दिस इज 90. सो दे आर व्हाट ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर. सो सिमिलर ट्रायंगल अगर होगा तो हम लोग यहाँ पर AC by II dash
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी एफ बाई आई एफ। हाँ या ना, राइट। अब ये इक्वेशन टू है। अब देखो ये डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि ओ डैश जो है वो एसी से इक्वल है। हाँ या ना। So, ये AC by II dash को हम लोग OO dash by II dash equal to CF by IF लिख सकते हैं और इसको equation 2 मानते हैं। Now from 1 and 2 what we get? From 1 and 2 क्या मिलेगा हम लोग को बताओ जल्दी से। 1 और 2 में से क्या मिलेगा? Both of them is equal to O dash by I dash, so we can write CO by CI is equal to CF by IF. अब देखो CO, CI, CF सब हम लोग को मालूम है। What about IF? ये if हो गया। तो if नहीं रखेंगे हम लोग। If को क्या करेंगे? हम लोग CI minus CF लिख सकते हैं। बताओ। IF को IF कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है ना, तो उसको हम लोग CI minus CF लिख सकते हैं। हाँ, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। CO का वैल्यू क्या है? माइनस यू। CI का वैल्यू क्या है? B। CF का वैल्यू क्या है? F। CI का वैल्यू है B minus F। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू बी प्लस यू एफ equal to Bn, right? So if I take this UB on the other side, we get UF minus Bn equal to UB dividing both sides, left hand side and right hand side by UBn. What do we get? 1 by B minus 1 by U equal to 1 by F dividing by what? Did you divide Kulamra? So this is the relation between object distance and image distance in case of what? A thin lens. कोई भी thin lens के लिए ये relation हम लोग use कर सकते हैं। अब और एक चीज हम लोग क्या करते हैं, magnification. Magnification is given by m equal to height of image by, अब यहाँ पर height of image क्या है देखो, ii dash by height of object क्या है? अब मुझे बताओ ये जो ii dash और o dash हम लोग mark कर लिए, यहाँ पर ii dash by o dash क्या है? ci by, simply ci by, अब ci by co क्या है? ci है B और CO है, लेकिन यहाँ पर और एक चीज हम लोग मिस कर गए कि ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है ना, और इमेज जो है उसकी हाइट ऑफ इमेज जो है ये नेगेटिव आना चाहिए। सो इसीलिए हम लोगों को हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मिलता है? सो आउट हियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू B बाय U, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to b by u given. In case of mirror it was minus b by u, और यहाँ पर ये b by u.